हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अब हम टाइप 7 करने जा रहे हैं। ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व होने वाला है। इसमें सिंथेटिक डिवीजन यूज़ होगा, इसलिए मैंने इसका ये नाम ही रख दिया है। अब हम पहला सम सॉल्व करते हैं। इसमें आपको i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx दिया हुआ है। सिंथेटिक डिवीजन कब लगाएं, ये आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए। जब भी न्यूमरेटर का पावर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, मोस्टली तब सिंथेटिक डिवीजन मेथड लग जाता है। सो आप क्या करोगे परफॉर्म सिंथेटिक डिवीजन, तो आप क्या करना है, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है। सो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि ये जो एक्स क्यूब है ना, इसका रिड्यूसिंग पावर में आपको इक्वेशन लिखना है। जैसे एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 0। सो आप डिवाइड करोगे तो एक्स क्यूब प्लस, अब देखो एक्स क्यूब कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल गिव एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स विल गिव मी एक्स स्क्वायर, और 1 इंटू एक्स मुझे एक्स देगा। ठीक है, वही नीचे लिखना है, एक्स स्क्वायर और एक्स लिखा मैंने। सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे माइनस एक्स। सिंथेटिक डिवीजन आई होप आपको पता है। ठीक है, अच्छा डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये आपको पता ही है। तो डिविडेंट क्या है, ये आपका डिविडेंट है। डिवाइजर क्या है, ये डिवाइजर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, रिमाइंडर ये। ठीक है, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सो आई इक्वल टू जो भी एक्स क्यूब की जगह पे लिख पा रहे हो लिख दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, जो भी ये है लिख दो। डिनोमिनेटर वैसे का वैसे छोड़ दो। अब देखोगे, नोटिस करो, अगर मैं डिनोमिनेटर स्प्लिट करूँ तो ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ एक्स बचेगा, प्लस इसको इससे अगर डिवाइड किया तो इस तरीके से लिख के छोड़ देना। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का आपको इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस जो बचा हुआ है। माइनस कैसे आया, माइनस कैसे आया, माइनस कॉमन लिया इधर से, तो इसलिए मुझे माइनस आया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आप न्यूमरेटर ला सकते हो, तो प्लस 1 करके माइनस 1 करना है, ताकि जब डिनोमिनेटर में स्प्लिट करो तो उसमें से ये टर्म जो है ना, ये वाला टर्म जो आपने देखा ये लिखा है, ये 1 हो जाए, इसलिए यहाँ पे 1 dx लिखा है। बाकी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वो वैसे का वैसे यहाँ लिखा है, इसलिए यहाँ पे स्प्लिट करके दिखा दिया है। ये जो दो मिले हैं आपको इंटीग्रेशन, उसको लिख के रखो, बाकी का जो बचा हुआ है इसको आई 1 लिख के मैं उसी को फॉरवर्ड करता हूँ। आई 1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन निकालना है। जैसा कि मैं हरदम आपको बताते रहा हूँ, अब डिनोमिनेटर को इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थर्ड टर्म प्लस 1 माइनस थर्ड टर्म, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो आपका थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1। ठीक है, हाफ इंटू 1 विच इज 1/4, मतलब हाफ इंटू 1 का स्क्वायर इज 1/4। आपने ये जो टर्म लिखा था उसके जगह पे आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 जो कि आपका थर्ड टर्म से आया है, और 1 बचा हुआ था माइनस 1/4, ये तो आपका 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/2 द होल स्क्वायर जो कि लिखा है, तो रूट 3/2 द होल स्क्वायर है ये। ठीक है, सो इस तरीके से आने के बाद आप आई 1 लिखोगे 1 अपॉन, ये वैसे का वैसे लिख दिया था मैंने, एक्स प्लस 1/2 द होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 द होल स्क्वायर। अच्छा, किस फॉर्म का है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, तो ही जाके आपको समझ में आएगा कैसे करना है। I1 equal to 1 upon a, what is a, what is a, a is root 3 by 2, इसलिए 1 upon root 3 by 2 tan inverse, what is x, x plus half is actually x upon a root 3 by 2 plus c। तो ये करने के बाद आप इसको solve करोगे, पहले तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 by root 3 हो जाएगा tan inverse, cross multiply किया जाए 2x plus 1 upon 2, और नीचे root 3 by 2, तो 2 cancel हो जाएगा, ठीक है ना, plus c, और जो भी answer आया आपका x square 2 माइनस 1 प्लस आई 1, और आई 1 की जगह पे आपने लिखा 2 बाई रूट 3 टेन इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस c। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार कि आप लोग को समझ में आ रहा है, फिर भी कुछ डाउट होगा तो मुझे प्लीज कम्युनिकेट करना, मैं ट्राई करूँगा
आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में जब सेकेंड सम सॉल्व करने वाले होंगे, लेकिन उसके पहले प्लीज आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे वीडियोस को भी लाइक करिए। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।